हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज आप सबके लिए। जैसा कि 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरा तबीयत खराब हो जाने के कारण, अन्य कारणों से, तो दोस्तों मैं दोबारा आ गई हूँ आप सबके साथ। डेली बेसिस में अब वीडियो आएगा आपके लिए। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, MPTET का एग्जाम आपका हो चुका है। जैसा कि जो प्राइमरी का था MPTET का, उसमें ज्यादा आपका कठिन क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। मिडिल वाला आपका डायरेक्ट भी था। जैसा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से ही सारे क्वेश्चन आए थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि बाहर के क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप ओलंपिक से रिलेटेड हो एंड प्लेन एक्सिस से रिलेटेड हो, इन सभी से क्वेश्चंस, टेस्ट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लचीलापन का मापन कौन करता है, एरोबिक अनएरोबिक चीजें एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है, इन सभी से क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड कौन सा गेम ओलंपिक में कब शामिल हुआ, वॉलीबॉल को ओलंपिक में या एशियाई गेम में कब शामिल किया गया, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अब आपने जो भी MPTET मिडिल एंड प्राइमरी दोनों का एग्जाम पास कर लिया है, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी को जोर से कीजिए। एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पे तो आपको क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आपको 90 क्वेश्चन ही सही करना है या 75 क्वेश्चन सही करना है। आपको उसमें तो सबसे हाईएस्ट लाना होगा। उसी प्रकार और सारे एग्जाम्स है, UPTGT है, UPLT ग्रेड आने वाला है, अदर स्टेट के TGT PGT है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो मेरे चैनल पे आप डेली बेसिस पे जुड़ जाइए। जो भी समस्या हो मुझे जरूर बताइए, मैं सभी चीजों का समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो समय नष्ट न करते हुए दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतः प्रतिष्ठानित प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का मुख्य ध्येय क्या होता है। यहां अंतः प्रतिष्ठानित इंट्रामुरल की बात बोल रहा है। इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल से भी क्वेश्चंस आया हुआ था, लेकिन आपको एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि आपने तुरंत क्वेश्चन पढ़ लिया, तुरंत समझ लिया। इस समय घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसको समझिए। जितना अच्छा ज्यादा समझेंगे उतना ही आप बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अंतः प्रतिष्ठानित प्रतिस्पर्धा का मुख्य ध्येय होता है, तो क्या होता है, विद्यार्थियों को जन भागिता का अवसर प्रदान करना। ये आपका राइट होगा। इंट्रामुरल में आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को जन सहभागिता का अवसर प्रदान करेंगे, और क्या करेंगे, और अंतः विद्यालय स्पर्धा का अनुभव प्रदान करेंगे। अंतः जब इंट्रामुरल है तो विद्यालय के अंदर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मूल्य है तो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के मध्य होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर ख यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है। तो यहां पे स्पीड है कि फिजिकल एबिलिटी है कि ह्यूमन है कि गतिशील मानव है, यानी डायनामिक ह्यूमन है। तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय यह है कि वो गतिशील मानव, स्थिर मानव तो कुछ कर नहीं सकता, गतिशील मानव ही नहीं कुछ कर सकता है। तो यहां पे गतिशील मानव यानी डायनेमिक ह्यूमन जो है शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। यहां पे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है दोस्तों कि सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट भी है। साकर यानी फुटबॉल को हम साकर बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्रॉस वेवर टेस्ट क्या मापता है। तो क्रॉस वेवर टेस्ट क्या मापता है, यह न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को मेजर करता है। क्या मेजर करता है, न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को। क्रॉस वेवर टेस्ट के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन के वीडियो में जाइए, और सभी टेस्ट, चाहे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो, चाहे सटल रन हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजें डिटेल में पढ़िए।
क्योंकि जो भी मैंने चीजें करा दिया है अब उसको ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो उससे बाहर कोई चीज आने वाला नहीं है। तो क्रॉस बेबर टेस्ट जो है न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति यानी मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को मेजर करता है। यह 1954 में हंस क्रॉस और रूप हर्स्टलैंड के द्वारा फिजिकल फिटनेस मापने के लिए बनाया गया था। इसमें 6 बैटरी यानी टेस्ट आइटम है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रॉस बेबर टेस्ट में कितने बैटरी यानी टेस्ट आइटम है, तो 6 है। कब बनाया गया था? 1954 में। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट या किसी भी चीज के ब्लूप्रिंट कहा जाता है रणनीति यानी स्ट्रेटजी। आपकी रणनीति स्ट्रेटजी जैसा होगा वैसा ही आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो सबसे मेन क्या है, आपका स्ट्रेटजी यानी रणनीति आपने कैसा बनाया हुआ है, योजना कैसा बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल लाभ उपलब्ध कराता है? जैसा कि आप जानते हैं यहां प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात कर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को हम संतुलन का लीवर कहते हैं, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर कहते हैं एवं तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं, गति का उत्तोलक कहते हैं। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि इसका याद करने का ट्रिक है FAR। क्या है? FAR और 312, इतना याद कर लीजिए, हमेशा आपको उत्तोलक कभी नहीं भूलेगा। तो एक किसके नीचे है? एक के यानी एक्सिस, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में रहता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। दो किसके नीचे है? आर के, यानी दूसरे प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार जो है वो बीच में रहता है फोर्स और एक्सिस के। एंड तीसरे प्रकार, तीसरे में क्या है? एफ के नीचे है 3, तो यानी कि तीसरे प्रकार के उत्तोलक में फोर्स बीच में रहता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो यहां भी पूछा है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक लाभ उपलब्ध कराता है? तो यह कराता है स्पीड, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन यानी कंट्रक्शन और विस्तार यानी कि एक्सपेंशन होते हैं, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो गति होती है वह किसमें होती है। जैसा कि दोस्तों प्लेन एन एक्सिस से भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ था कि शरीर को दाया बाएं भागों में कौन बांटता है, तो सेजिटल प्लेन बांटता है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो जो है प्लेन जो है 3 प्रकार का है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन को मीडियल प्लेन या लेटरल प्लेन भी कहते हैं, या शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और जो गति होती है आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है सेजिटल प्लेन में। तो यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही क हो जाएगा, मीडियल प्लेन। क्या हो जाएगा? मीडियल प्लेन, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। दूसरा है फ्रंटल प्लेन, जिसे कार्डिनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं, या शरीर को आगे पीछे बांटता है और इसमें गति दाएं बाएं होती है, यानी एब्डक्शन एडक्शन जो मूवमेंट होती है वो फ्रंटल प्लेन में होती है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेजिटल प्लेन में होती है। तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, या शरीर को ऊपर नीचे बांटता है और सभी घूर्णी या चक्रीय गतियां इसमें होती हैं। नेक्स्ट है, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को कार्यक्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था आपका एरोबिक अनएरोबिक से रिलेटेड। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए रहिए, इससे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनएरोबिक अनएरोबिक इस चीज से। तो यहां क्या पूछा है, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कार्यक्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
तो यहाँ पे दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर, जहाँ हृदय और फेफड़ों की क्षमता की बात हो जाए वहां पे सहनशीलता आप ध्यान में रखिएगा, लंबे समय की क्रिया होगी यानी कि ऑक्सीजन युक्त क्रिया होगी, एरोबिक क्रिया होगी, यहाँ पे आपका एरोबिक व्यायाम आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप बस डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझने की बस ये है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मत लगाते जाइए, समझिए उसको। नेक्स्ट है ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है। तो दोस्तों ऐसा व्यवहार जो किसी प्रतिद्वंदी को आप मनोवैज्ञानिक रूप से शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा के जीत रहे हैं, तो एक प्रकार का आक्रामक व्यवहार हुआ आपका, तो आक्रामकता का साधन के रूप में उपयोग यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली सामान्य चोट है। जैसा कि बास्केटबॉल को हाथ से आप खेलते हैं बट इसमें सामान्य रूप से एक दूसरे के टखने टकरा जाते हैं, यानी कि टखने की इंटेरियो की लेटरल लिगामेंट की चोट यहाँ पे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है परीक्षण के समय उल्टी आने का एहसास का कारण क्या है। जब आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस टाइम पे आपको उल्टी आ रही है तो उसका कारण है कि लैक्टिक एसिड का ज्यादा संग्रह हो गया, यानी लैक्टिक एसिड का संग्रह होना यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर कितनी मात्रा में होती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग, यानी कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपके एमपीटेट में, मिडिल वाले क्वेश्चन में आया था कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में दूसरा स्थान पर कौन सा देश था। तो ये आपको पहला दूसरा स्थान एंड भारत का स्थान जरूर याद रखना है। जैसे कि ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्थान यूएसए यानी अमेरिका का था और दूसरा चीन का था और भारत का 48वां स्थान था और भारत ने 7 पदक जीता था, जिसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप 2020 टोक्यो ओलंपिक की वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बनी थी। तो दोस्तों ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बना था 1954 में और वहां पे आपके एमपीटेट में क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया साइकिल ऑफ साइकिल फेडरेशन कब बना था, तो 1938 में बना था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सब पढ़ाया हुआ आया था दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हार्वर्ड स्टेट परीक्षण मापन करता है, जैसा कि आप जानते हैं कई बार रिपीट हो चुका है, हार्वर्ड स्टेट परीक्षण जो है वह सहनशीलता यानी कि कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी एफिशिएंसी को मेजर करता है। यह 1943 में ल्यूसीन ब्रुहा द्वारा बनाया गया। इसमें एक बेंच होता है जो 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, उसमें अप अप डाउन डाउन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस हार्वर्ड स्टेट टेस्ट परीक्षण को देख सकते हैं। नेक्स्ट रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे के क्रम में होने वाले आसन विकार क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे सबसे पहले काइफोसिस यानी कुबड़ा होगा, स्कोलियोसिस होगा, लार्डोसिस होगा, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस से भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब हर एक पार्ट से एक या दो क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था, तो वह खेल था फुटबॉल। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य के लिए गैसों का आदान प्रदान कहा जाता है। तो दोस्तों जो हम सांस लेते हैं इंस्पायरेशन यानी अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन यानी कि बाहर छोड़ते हैं, इस क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, यह फेफड़े में संपन्न होता है। जबकि जो श्वसन होता है
आंतरिक श्वसन वो कोशिकाओं में श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। तो ब्रीदिंग और श्वसन दोनों में आप डिफरेंट समझिए। ब्रीदिंग हमारे फेफड़ों में होता है और श्वसन हमारे कोशिकाओं में होता है, जहां पे ऊर्जा बनता है। तो कैसे होता है? जब बाएं हृदय के बाएं भाग से, बाएं निलय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी लेकर के जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से जो अशुद्ध रक्त होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई ले लेता है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन को रक्त ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसको आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ले करके शुद्ध रक्त को पल्मोनरी सिराएं लेकर के जाती हैं हृदय के बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी से होता हुआ समस्त शरीर की कोशिकाओं में भेजा जाता है। वहां पे आपके कोशिकाओं में जाकर के सबसे पहले कोशिका द्रव्य में एनएरोबिक श्वसन होता है, उसके बाद वो जाता है 2 ATP का निर्माण होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद जो 2 ATP होता है पारविक अम्ल, जो 2 पारविक अम्ल बनता है वो जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के जो ग्लूकोज होता है उसका जारण होता है और वह ऊर्जा में परिवर्तित होता है, एटीपी का निर्माण होता है, वही एटीपी फिर हमारे शरीर में जहां जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां पहुंचाया जाता है। तो इसी को कहते हैं श्वसन। तो ब्रीदिंग एंड श्वसन में आप अंतर समझ गए होंगे। ब्रीदिंग 2 प्रकार का है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। एंड उसके बाद आपका होता है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक जाता है तो वहां पे कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, तो उसे कहते हैं श्वसन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जिन खराब तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आवश्यकता सेक्रेशन मूवमेंट डाइजेशन की होती है, बट यहां पे एक्सक्रिएशन की नहीं होती है। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज में एक कमी आने से इंसुलिन के अवरोध यानी बैरियर का कारण बनता है। ये कौन सा उदाहरण है? तो रक्त शर्करा में कमी आने से इंसुलिन के अवरोध का कारण कौन बनता है दोस्तों? वह बनता है आपका ग्लूकेगन की कार्रवाई, ग्लूकेगन एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आग्नाशय होता है, आग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगन हार्मोन्स स्रावित होता है। जो ग्लूकेगन क्या करता है, यह यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इस कारण से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। जैसा कि जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। ग्लूकोज क्या करता है कि रक्त को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन परिवर्तित नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ग्लूकोज यानी कि शर्करा रक्त में बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति मिनट थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रवाह होता है, तो इसका सही जवाब है 4.5 से 7 mg प्रति ग्राम। नेक्स्ट है, प्लीहा यानी स्प्लीन किस तंत्र यानी सिस्टम का भाग है? तो दोस्तों प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो है वह लसिका तंत्र यानी लिम्फैटिक सिस्टम का भाग है। नेक्स्ट है, हार्मोन प्रणाली यानी सिस्टम के रसायनों यानी केमिकल्स के कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं?
तो दोस्तों हमारी जो ग्लैंड है, ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है, एक होता है वह स्रावी जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, एंड एक होता है मिक्स ग्लैंड जो एक सेकेंड ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है, एंडोक्राइन एक्जोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है, जैसे आपका थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। एंड एक होता है वह स्रावी ग्रंथियां जो केवल एंजाइम का स्राव करती है, जैसे हमारा अश्रु हो गया एंड पसीना हो गया। एंड एक होता है अश्रु हो गया, पसीना हो गया, आपका अमाशय ग्रंथि, अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथि होता है वो हर एंजाइम का स्रावित करता है। एंड एक होता है मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड जो मिश्रित ग्रंथि होता है जो हार्मोन और स्राव और हार्मोन एंड एंजाइम दोनों का स्राव करता है, जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? मिक्स ग्लैंड है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रसनी यानी फेरिंग्स, किसके डैश है और पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो दोस्तों ग्रसनी जो है यानी फेरिंग्स है वह श्वसन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों से संबंधित है। उसके बाद आपका फेरिंग्स के बाद श्वास नली अलग होता है एंड भोजन नली अलग होता है, वहीं से अलग होते हैं दोनों। यानी फेरिंग्स में दोनों सिस्टम कार्य करते हैं, श्वसन और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र दोनों। नेक्स्ट है किस प्रकार की हड्डियां ताकत देने वाली देने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों लंबी हड्डियां जो है वो ताकत देने का कार्य करती हैं। दोस्तों हड्डियों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोक्लास्ट क्या है, हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, आकार आकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसामोइड बोन, इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो किस प्रकार की हड्डियां ताकत देने के काम करती है, लंबी हड्डियां, और लंबी हड्डियां उत्तोलक यानी कि लीवर का भी काम करती है। नेक्स्ट है सेट कमांड पर धावक किस स्थिति में होता है। तो दोस्तों जैसा कि स्प्रिंट दौड़ों में यानी 100, 200, 400 मीटर दौड़, रिले दौड़, इन सभी में तीन कमांड होते हैं, आर योर मार्क, सेट एंड गन फायर यानी गो। एंड जो लंबी दूरी की दौड़े होती हैं उसमें ओनली दो कमांड होते हैं, आर योर मार्क्स एंड गो। तो सेट कमांड पर जो धावक की स्थिति होती है अस्थिर होती है, कैसे होती है, अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है डिस्कस की रिहाई के समय, यानी कि जब हम डिस्कस को छोड़ रहे हैं उस समय कौन सा बल लगता है। तो दो प्रकार का बल काम करता है, एक सेंट्रीपिटल यानी कि केंद्र की तरफ, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल को केंद्रा प्रसारी बल कहते हैं, अभिसारी बल, और सेंट्रीफ्यूगल को अपसारी यानी कि केंद्र से बाहर। तो जब हम छोड़ रहे हैं डिस्कस को उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा केंद्र से बाहर की ओर। कौन सा बल लगेगा? केंद्र से बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्र प्रसारक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र विमुख शक्ति यानी सेंट्रीफिटल से अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि जब हैमर थ्रो हम करते हैं तो जब हम हैमर को घुमाते हैं उस समय कौन सा फोर्स लगता है, तो उस समय सेंट्रीपिटल यानी केंद्र की ओर बल लगता है। जब घुमा के हम छोड़ते हैं तो उस समय बल लगता है सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी कौशल प्रशिक्षण वह चरण यानी स्टेज है जहां एथलीट को खेल के
महत्व पक्ष का एहसास होता है। तो इसमें एहसास होता है परफॉर्मेंस एम्स, यानी कि प्रदर्शन के लक्ष्य के महत्व का एहसास होता है। नेक्स्ट है, ट्राइसेप्स सूरी मांसपेशी में कौन सी मांसपेशियां शामिल रहती हैं? तो ट्राइसेप्स सूरी मांसपेशी में गैस्ट्रोनिमियस मसल्स व सोलियस मसल्स शामिल होता है। गैस्ट्रोनिमियस मसल्स व सोलियस मसल्स शामिल होता है। गैस्ट्रोनिमियस मसल्स को कार्प मसल भी बोला जाता है। और दोस्तों, मसल्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मसल्स के फंक्शंस एंड कौन कौन से मांसपेशियां हमारे शरीर में कार्य करती है, कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों, बॉक्सर मसल्स बोला जाता है लैटिमस सेरेटस एंटीरियर को, रोइंग मसल्स बोला जाता है लैटिमस डॉर्सी को, स्विमर मसल्स बोला जाता है डेल्टॉइड एंड लैटिमस डॉर्सी को, थ्रोइंग मसल्स होता है हमारे वच पर पेक्टोरलिस मेजर, एंड टेलर मसल्स बोलते हैं सार्टोरियस मसल्स को, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स होती है, एंड मलखम या राइडल मसल्स बोला जाता है एडक्टर मंगस को, जो घुटने के नीचे होता है, लिफ्टर मसल्स होता है, लिफ्ट देने का काम करता है, वह होता है डेल्टॉइड मसल्स, एंड कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोला जाता है, एंड आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है, तो क्वाड्रिसेप्स मसल, जो कमर की मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है? तो दोस्तों, यहां पे आपका दिया हुआ है व्यायाम की तत्परता के नियम, एक्सरसाइज रेडिनेस लॉ, एंड अभ्यास का नियम लॉ ऑफ प्रैक्टिस, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ पे उपयुक्त 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि तत्परता के नियम को माइंडसेट का नियम भी, तैयारी का नियम भी बोला जाता है, एंड लॉ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी बोला जाता है, और प्रभाव के नियम को संतोष का नियम और असंतोष का नियम, लॉ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है दोस्तों, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया हुआ था। तो एग्जांपल लेके इसमें बोला जाता है कि कौन सा नियम है। नेक्स्ट, मानसिक विकास में संबंधित है। तो दोस्तों, मानसिक विकास में तर्क और थिंक यानी तर्क और सोच आपका सम्मिलित होता है। जितना ही आप तर्क करेंगे, सोचेंगे, उतना ही आपका मानसिक विकास होगा। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में प्रति की दर का धीमा होना और एक सीमा से परे आगे सुधार असंभव लगने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है पठार। सीखने में पठार आ जाना, यानी कि सीखते सीखते एक ऐसा समय आता है जो सीखने की प्रक्रिया एक समय एकदम बंद हो जाती है, यानी कि सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, कुछ समय के लिए एकदम रुकी हुई दिखाई देती है, वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जा करके सीधे चलने लगती है, एकदम सपाट हो जाती है, उसी को कहते हैं सीखने में पठार। ये दोस्तों थकावट के कारण, मनोदशा प्रेरणा कम होने के कारण, एक ही प्रकार की क्रिया को करने के कारण, इस प्रकार से कारण होते हैं। इन सब में सुधारा जा सकता है, इस पठार को दूर किया जा सकता है। जैसे कि सीखने के वक्र के 3 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित वक्र। इसके बारे में जानने के लिए आप सीखने के सिद्धांत से रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं, खेल मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट है, प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन का कौन सा प्रकार छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं होता है? तो दोस्तों, प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। तो यहाँ पे छोटे बच्चे के कौन सा प्रकार छोटे बच्चे के लागू नहीं होता है? तो दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा नहीं लागू होता है छोटे बच्चों में। नेक्स्ट है, प्रभावी ढंग से शरीर के अंग के क्षणों यानी मोमेंट्स को एकीकरण
एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जो सभी शरीर के अंग है उन सभी को एकीकरण करने को कहा जाता है समन्वयुक्ता यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चन इस बार 100% आता है। अब स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चन की संख्या बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसलिए स्पोर्ट ट्रेनिंग को आप अच्छे से समझिएगा। तो जैसे कि आप मान लीजिए फुटबॉल ही खेल रहे हैं, तो उसमें आपका आंख पैर एंड हाथ सभी चीजें एक साथ कार्य कर रही हैं, यानी कि शरीर के अंगों का एकीकरण हो रहा है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन क्षमता डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा परीक्षण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को नहीं माप सकता है? तो जैसे कि गेंद को पकड़ना, इसमें आप आंख अपने हाथ में सामंजस्य कर रहे हैं। रस्सी कूदना, जंपिंग जैंग, ये तीनों जो है कोऑर्डिनेशन को माप सकते हैं, बट यहाँ पे कार्यक्षेत्र कूद आपका नहीं माप सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर का कौन सा प्रकार खेल के दौरान सबसे अधिक प्रयोग होता है? जैसा कि आप जानते हैं कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो तीसरे प्रकार का जो लीवर होता है वो खेल में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बचपन में व्यक्ति का व्यवहार निम्न में से किससे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों बचपन में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है परिवार से। किससे? परिवार से। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, यानी कि परिवार से नहीं, द्वितीयक समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन है? समाजीकरण का प्राथमिक समूह है आपका परिवार या क्रीड़ा समूह, एंड द्वितीयक समूह आपका हो गया स्कूल, मीडिया, ये सब। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी चिंता कंपटीशन कॉन्सर्न की कौन सी थ्योरी खेल प्रदर्शन को प्रभावित करती है? तो ए हो जाएगा आपका उल्टे यू परिकल्पना। नेक्स्ट, क्वाड्रिसेप्स समूह के निम्न में से कौन सी मांसपेशी नहीं आती है? तो दोस्तों जो हमारे घुटने के ऊपर जांग की मांसपेशी होती है उसे कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होता है वह चार मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लिटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। यह हमारे घुटने को फैलाने और हिप को मोड़ने का काम आता है। तो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स समूह में से कौन सी मांसपेशी नहीं आती है? तो यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस आता है, वास्टस मीडियलिस आता है, वास्टस लेटरलिस भी आता है, यहाँ पे सार्टोरियस नहीं आता है। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस, और सबसे बड़ी मांसपेशी है हमारे कुल्हे की ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट, तनाव यानी स्ट्रेस, मोच यानी स्प्रेन, पट्टा चोटों के लिए तत्काल प्रबंधन क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार की चोटों के लिए तत्काल प्रबंधन आपका होता है आइस पैक का उपयोग, यानी कि बर्फ का प्रयोग करना। क्या होता है? बर्फ का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, विटामिन B6 किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पाइरोडॉक्सिन। यह इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, एनीमिया हो जाता है, और यह अंडे से प्राप्त होता है, इस जो ऑप्शन दिया है उसमें से, ठीक है। विटामिन बी से भी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी, एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है, जीवित चीजों के अध्ययन के करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। नेक्स्ट है, एनाटॉमिक भाषा में हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एनाटॉमिक भाषा में हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम बोला जाता है। जैसे कि हृदय 3 मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य पर चर्चा के दायरे से बाहर है? तो दोस्तों स्वच्छता भी है, रोग भी है, विकृति है, बट मौत जो है वो स्वच्छता के दायरे से बाहर है।
नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे मटर के दाने के समान चार होते हैं, जिनकी संख्या चार होती है। ग्रंथियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है, तो वो था आपका आंसर अंडाशय। तो जो भी मैंने पढ़ाया हुआ था उससे क्वेश्चन 100% आया हुआ था, जो भी पढ़ा होगा सही से वो आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, तो दोस्तों कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में 1896 में ही, जब आधुनिक ओलंपिक प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था एथेंस में, तभी से इसको शामिल किया गया है। आपके एग्जाम में वॉलीबॉल को एशियन गेम में कब शामिल किया गया था, ये आपका आया हुआ था, जो इसका आंसर था 1958 टोक्यो जापान में। जूडो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जूडो का जो है एरिया जो है कम से कम कितना होता है, तो कम से कम पूछा था 14x14 मीटर, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 16x16, तो यहाँ कम से कम पूछा गया था। नेक्स्ट, जूडो को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया, तो जूडो को ओलंपिक खेलों में पहली बार 1964 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 के ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ के पुरुष विजेता कौन थे, तो वो थे कार्ल लुईस। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में दौड़ बाधाओं के बीच की दूरी क्या है, तो दोस्तों 100 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं के बीच की दूरी होता है 8.5 मीटर। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियां कौन सी हैं, लार ग्रंथियां कौन सी हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो हमारे मुख में स्थापित होती हैं, जो जिससे टैलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पाचन में सहायक होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो भोजन का पाचन आरंभ होता है हमारे मुख से ही हो जाता शुरू हो जाता है, और भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, पूर्ण पाचन और पूर्ण अवशोषण होता है छोटी आंत में। यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां कौन सी हैं, तो पैरोटिड भी है, अधोहनु यानी कि सब मैंडिबुलर भी है, यानी कि तीन जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों तरफ से दोनों तरफ पाई जाती है मुख के दोनों ओर, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल, यानी कि जोड़ों में पूछेगा तो तीन जोड़ी और संख्या में पूछेगा तो 6 आपका लार ग्रंथियां होंगी। यहाँ पे आंसर नंबर सी उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मैदानी हॉकी किस देश में विकसित हुआ, तो यह इंग्लैंड में विकसित हुआ। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, सभी चीजों को आपको बारीकी से समझना होगा तभी आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। एंड ज्यादा आपको डिप्रेशन लेने की जरूरत भी नहीं है, एक एक चीजों को धीरे धीरे आप समझते चलिए। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।